बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल विलेज फूड एंड डेली लाइफ। मज़ेदार और आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बना रहे हैं चिकन मैक्रोनीस, जिसके लिए हमने हाफ कप चिली गार्लिक सॉस लिया था। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालते हैं सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे एचपी सॉस, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, या आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक भी हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि नमक जो होता है वो हमने जो गार्लिक चिली सॉस लिया उसमें भी नमक होता है, और जो हमने सोया सॉस यूज़ किया उसमें भी नमक होता है, इसलिए नमक हमने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर। चिकन मैक्रोनीस के लिए हमारा सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करते हैं और साइड पे रखते हैं, और अब मैक्रोनीस जो है वो तैयार करने शुरू करते हैं। ये लीजिए, मैक्रोनीस बॉयल करने के लिए हमने पैन में पानी जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आता है तो हम इसमें मैक्रोनीस जो है वो शामिल करते हैं। मैक्रोनीस बॉयल करने के लिए जो हमने पानी रखा था, देखे ना, उबलना शुरू हो गया तकरीबन। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक हमने सॉस में भी डाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें इसमें नमक जो है वो शामिल ही करना, और 1 टेबलस्पून ऑयल का इसमें शामिल करेंगे ताकि मैक्रोनीस जो है वो फ्रेश बॉयल और चिपके ना आपस में। ये एक पैकेट मैंने एल्बो मैक्रोनीस लिया है, ये हम इसमें शामिल करते हैं और सॉफ्ट होने तक इसको बॉयल करते हैं। अगर आपने फौरी मैक्रोनीस तैयार करनी है तो फिर ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं चिपकेंगी, हमने इसमें ऑयल शामिल किया था। अगर आपने अभी देर में बनानी है, अभी देर आपको यानी कि आपने सब्जियाँ वगैरह काटनी है, फिर आप इसके ऊपर ठंडा पानी डालकर तो थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि ये चिपके ना, लेकिन हम फौरी तैयार कर रहे हैं तो इसलिए हम ना इसके ऊपर पानी डालेंगे ना ही ऑयल शामिल करेंगे। 1/2 कप मैंने ऑयल डाला था कढ़ाई में, 2 जवे लहसुन के मैंने ग्रेट करके वो इसमें शामिल किए हैं, और 1/2 ब्रेस्ट जिसका मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, ये इसमें शामिल किया। अब चिकन को हम इसमें वाइट होने तक अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए इसको सबसे पहले शामिल करते हैं। 3 तरह मैंने साइज की गाजरें थी जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अब इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी इनका कलर चेंज हो जाएगा, खुद ब खुद ही पता लगना शुरू हो जाता है कि गाजर जो है वो हमारी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है मैंने मुझे गाजर को फ्राई करते हुए, ये देखिए अभी सिर्फ 1 मिनट हुआ है मुझे गाजर को फ्राई करते हुए, तो गाजर ने जो है वो कलर चेंज कर लिया है। अभी 1 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद भून लेते हैं। ये देखिए गाजर जो है मुकम्मल तौर पर रेड हो गई है, इसका मतलब कि गाजर अच्छे तरीके से भून चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने गाजर की तरह ही बड़ी बड़ी क्यूब्स में काटा है। तमाम वेजेज की कटिंग एक ही स्टाइल में हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। 1 कप बंद गोभी, जैसे ही घी में फ्राई होती हैं तो इनका कलर जो है वो और ज़्यादा ब्राइट हो जाता है और ज़्यादा खूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है। शिमला और बंद गोभी को इतना ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें मैक्रोनीस जो है वो शामिल करते हैं। हमने सॉस तैयार किया था ये हम इसमें शामिल करते हैं। माशाल्लाह से सॉस डालते इतनी खट्टी मीठी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो गई है जी। अब हम इसमें शामिल करते हैं मैक्रोनीस जो हमने बॉयल करके रखी थी। गर्म है ये मैक्रोनीस अभी तक, लेकिन फिर भी देखें थोड़ी थोड़ी सी चिपकी हुई है, और अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो ये तो फिर सारी चिपक जाती हैं, ढेले की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती हैं। ये लीजिए हमारी मैक्रोनीस तैयार है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार टेस्टी चिकन मैक्रोनीस हमारी जो है तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।